आज का दौरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के रहने वाले हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनके घर का तैयारी हुआ है। हम अपने बाइक से निकल चुके हैं उनके घर के लिए, और आप लोग वीडियो देखते रहिए। आगे भी जो बाज़ार आते हैं उन बाज़ारों को हम आपको दिखाते चलेंगे, और राजेंद्र बाबू के बारे में जितनी जानकारी हो सकेगी उतना हम उपलब्ध कराने की प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, और फिलहाल हम बाइक चला रहे हैं तो ज़्यादा देर तक ऐसे वीडियो नहीं ले सकते हैं, और तब तक रास्ते का आनंद लीजिए। पहुँचते हैं फिर आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। रास्ता जितना सुंदर दिख रहा है, क्या मज़ा आ रहा है देख करके। एक रेलवे ट्रैक है उधर, अभी देखिए ट्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, और बगल से मेन रोड। इतनी अच्छा रोड बनी हुई है कि पूछिए मत, दिल खुश हो जाएगा इन हरियालियों के बीच में बाइक चलाते हुए। हमें जब इतना आनंद आ रहा है तो आप सभी को कितना आनंद आएगा। एक और देखिए ट्रेन गुजर रही है उधर से, देखिए रेस तो इससे नहीं लगाएंगे क्योंकि आप सबको वीडियो भी बना के दिखाना है अच्छे से। ट्रेन गुजर रही है इन हरियालियों के बीच में, क्या सुंदर नज़ारा है। ये वही रेलवे स्टेशन है जीरादेई के नाम से, जहाँ से राजेंद्र बाबू गाड़ी पकड़ कर राजेंद्र बाबू का गांव जाया करते थे। अब उनके घर तक ही यह रास्ता जाता है, तो उन्हीं का घर है। देखते हैं पूछ करके अंदर जाने का क्या व्यवस्था है, कैसे जाया जाएगा, जा पाते हैं या नहीं, देखते हैं। दोस्तों, ये जो हम जिस घर के सामने खड़े हैं, ये राजेंद्र बाबू का ही घर है जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बड़े अफसोस के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि लॉकडाउन के कारण अभी यह जगह बंद है, तो जो पॉसिबल है हम आपको वो दिखाते हैं अंदर से ही। देखते हैं क्या आपको दिखा पाते हैं। ये राजेंद्र बाबू की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू। मुझे पता है आप सबको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फिर भी। और ये अंदर का कुछ यूं नज़ारा है। बता रहे थे कि वो जो सामने वाला जो घर है वही सब रूम है इनका। फूल वगैरह बहुत अच्छे लगे हैं, पार्क वगैरह हैं अंदर। ये है घर उनका पूरा नक्शा जो घर का दिखाई देता है। फिर एक अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से बनाएंगे और समय से आएंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए ये समय सीमा इन लोगों ने लगा रखा है, सुबह खुलने का समय 7 से 12 बजे तक, उसके बाद बंद ही रहता है ये। नमस्कार दोस्तों, कल हम लोग आए थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू के घर पे वीडियो बनाने के लिए, पर बंद था वो जगह, और पता चला 7 से 12 बजे तक ही ओपन रह रहा है इस लॉकडाउन में, तो यहीं पे एक रिलेशन में रुक गए, और आज फिर दोबारा वहाँ पहुँच रहे हैं वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। जी,
देखिए बारिश में भीग गए हैं आज, तो आज सुबह सुबह बारिश हो गई, अभी थोड़ा सा दिन ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज फिर क्या होता है। दोस्तों कल आए थे तो यह जगह बंद थी, दोपहर में आए थे हम लोग, लेट हो गए थे, आज फिर पहुँचे हैं और आज खुला हुआ है जगह, चलते हैं देखते हैं। आइए प्रवेश करते हैं अंदर, ये है प्रवेश द्वार। वाह 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 वाह, क्या बात है, पढ़ के सुनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई। आइए क्या सुनहरा जगह है भाई, बहुत सुंदर, सरकार ने ध्यान दिया है और बहुत ही बारिश के कारण और ही सुंदर यह जगह लग रहा है। यह है अपने भारत के रत्न। जय हो जय हो। गर्व महसूस होता है ऐसे जगह पे आकर के, जहाँ राजेंद्र बाबू केवल बैठे भर भी हो तो भी बहुत है। ये है महल उनका, जो भी है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। आइए देखते हैं यहाँ कोई है तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल तो यह एक जगह है, हमें लगता है कि शायद ये उन्हीं का चौकी है जिस पे बैठते होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई करते होंगे या समाज सेवा करते होंगे यहाँ से। देखते हैं, जानते हैं उनके बारे में और भी आगे क्या है, किसी से मिलते हैं फिर बात करते हैं। ये राजेंद्र बाबू हैं, देखिए लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संग्रहालय। यह संग्रहालय भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृतियों को समर्पित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी घर में हुआ था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने छपरा और कलकत्ता में उच्च विद्यालय प्राप्त की। आगे जाकर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। उनके विशिष्ट जीवन की कुछ झलकियां इस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं, जो आप सभी को देखने को नहीं मिल पाएगा, जो आप सभी को देखने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि कोरोना के कारण यह सब जगह लॉक है। ये देखिए, चलिए आकर के काफ़ी अच्छा लगा इस जगह पे, बस अफसोस यही है यह जगह खुला नहीं है तो देखने को कुछ ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ये देखिए बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ, रूम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उन्हीं का रूम है जो फिलहाल लॉक है। देखेंगे अंदर क्या है क्या नहीं है, उन सब के बारे में भी जानेंगे। ये रूम है श्री धनंजय प्रसाद, यंगर सन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब उनके लड़के का है ये रूम। देखें इधर, देखिए उस समय का हमें लगता है केवल यही एक जगह होगा जो खपड़े से बना हुआ है। यार ये महल का तो रिपेयरिंग किया गया है बहुत अच्छी तरह से, पर कुछ भी कहो भाई, जगह बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है, इस जगह पे आने लायक है। और देखें ये दरवाज़ा, देखिए लकड़ी का बना हुआ है, कितना सुंदर, आजकल इस तरह के दरवाजे देखने को भी नहीं मिलेंगे। देखिए क्या फूल डिजाइन किया गया है ये हाथों से, ये एक हाल है,
ये भी कुछ होगा, यहाँ भी फिलहाल तो कुछ नहीं है और आगे एक ताला लगा हुआ है, तो अंदर क्या है क्या नहीं पता नहीं। खैर फिर भी इन जगहों को देख करके काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए बांस की कैसे नीचे से बना हुआ है, लकड़ी लगा हुआ है और ऊपर से एक एक खपड़े का घर, बीच का ये थोड़ा टूट भी गया है, जल्द ही इसको रिपेयरिंग कराया जाएगा। बस यही है जो है सो इन सब जगहों पे देखने लायक शायद तभी होता। इसमें भी कुछ पुराने ज़माने के ही कुछ सामान रखे हुए हैं, देखिए बक्से वगैरह बुक वगैरह कुछ, पर शायद कह नहीं सकते कुछ, हर जगह ताला लगा हुआ है। ताला 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 लगा हुआ है हर जगह। एक कोरोना ने तो भाई सबको तबाह ही कर दिया। जैसे ये उनका बंगला है, जैसे हम लोग का बंगला होता है बैठने उठने के लिए, ये भी देखिए खपड़े का बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ये भी। पर ये भी सारे लॉक हैं, इसमें भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, इतना देखिए यही बहुत है। देखिए यहाँ पे एक पट्टी लगी हुई है वाइट कलर की, जिस पे लिखा है पूज्य महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी कि एक रात के लिए यहाँ पे ठहरे थे। देखिए यहाँ सवेरे तक ठहरे थे महात्मा गांधी जी भी, मतलब बिहार की भूमि पे महात्मा गांधी जी भी आ चुके हैं। और ये देखिए क्या लिखा है, गांधी जी द्वारा उपयोग किए जाने वाला तख्त। ओहो, मतलब इस तख्त पे गांधी जी बैठे हुए थे। कितना सुंदर एक स्टैचू है राजेंद्र बाबू का, जन्मदिन के अवसर पे इन्हें माला वाला पहनाया जाता है, इनका स्वागत वगैरह किया जाता है। देखिए लिखा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा। ये बहुत सारी चीज़ें पर ब्लैक में है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह के कर कमलों द्वारा दिनांक 27/5/1984 को राजेंद्र शिशु उद्यान जीरा देई का उद्घाटन। ये शिशु उद्यान है बच्चों का खेलने के लिए, ये सब जगह इन्होंने इनके नाम पे बनाया गया है। ये भी जगह बहुत सुंदर है, देखिए क्या सुंदर प्रतिमा है इनकी, बहुत खूब। सलाम है सर आपको। राजेंद्र बाबू का ये स्मृति चिन्ह यहाँ बना हुआ है और इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब एग्ज़ाम दे करके बाहर आए थे और इनका एग्ज़ाम का पेपर जब जांच हो रहा था, एग्जामिनी जो जांच कर रहा था उसने इनके पेपर पे लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन एग्जामिनर। है ना सर की बात, मतलब जो एग्जामिनर है वह जो एग्ज़ाम ले रहा है, जो पेपर चेक कर रहा है, उससे बहुत बेटर है, मतलब बहुत अच्छा है। तो ऐसे शख्स थे राजेंद्र बाबू और आज इनके जगह पे हम आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।